नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड में कोरोना को लेकर प्रतिबंधों में मिलेगी छूट या बढ़ेगी और सख्ती। रांची में 1355 नए मरीज मिले, वहीं राज्य भर में 3749 केसेज पाए गए। कोरोना को लेकर राजधानी रांची समेत झारखंड में 3 जनवरी को सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की अवधि 15 जनवरी को पूरी हो रही है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने के बजाय प्रतिदिन 3 से 5 हजार नए मरीज मिल रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी रांची में जहां 1355 नए मरीज मिले, वहीं राज्य भर में 3749 केस पाए गए। इतना ही नहीं, शुक्रवार को 3 मरीजों की मौत भी हो गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शाम को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में प्रतिबंधों को कंटिन्यू रखने का फैसला हो सकता है। प्रतिबंधों को और 16 दिन तक बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। वहीं सूत्रों की माने तो राज्य में जारी प्रतिबंधों को ही सरकार 31 जनवरी तक आगे बढ़ा सकती है। कोई कड़े प्रतिबंध लगाने के बदले पूर्व के प्रतिबंधों में मामूली फेरबदल संभव है। स्कूल कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे। स्टेडियम, आउटडोर, इनडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटन, ये सब बंद रहेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। सिर्फ बार, रेस्टोरेंट और दवाई दुकान नॉर्मल टाइम पर खुली रहेंगी। सरकारी और निजी संस्थानों में 50% क्षमता पर काम होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम फिलहाल पहले की तरह ही बंद रहेगा। हॉट और बाजार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले रहेंगे। शादी और अंत्येष्टि में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% यानी 100 दोनों में से जो कम हो क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।